हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बरसाना घूमने के बाद हम लोग पहुँचे नंदगांव। नंदगांव बरसाना के उत्तर में लगभग 8.5 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम कृष्णा के पालक पिता नंद जी और माता यशोदा के नाम पर रखा गया था, जिनका गोकुल से जाने के बाद इस स्थान पर उनका स्थायी निवास था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्थान को देखेंगे, इसकी सारी चीज़ें जानेंगे और देखेंगे आप इसके आसपास कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरे दर्शन कराने वाले हैं, पूरी जगह का भ्रमण भी होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। और आप हमारी बाकी सारी वीडियोज भी देख सकते हैं। जैसे ही आप नंदगांव के मुख्य रोड पर पहुंचते हैं तो वहां आप ऑटो या अपनी सवारी से आसानी से पहुंचते हैं। वहां आप पहुंचकर सीधे गांव की गलियों में जब पहुंचेंगे तो आपको आसानी से मंदिर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, या आप किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछ सकते हैं तो वो आपको आसानी से रास्ता बता देते हैं। रास्ते में पहुँचते हुए यहाँ पर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चित्रकारी की गई है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और गलियों को एक बेहतरीन लुक भी देती है। दोस्तों, जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे इलाका बहुत ही ज्यादा संकरा और पतला होता जाता है। रास्ते में आपको पहुंचने पर जगह जगह अच्छी सी पूजा की सामग्री और खाने पीने की चीज़ें और साथ ही साथ सजावट की काफ़ी दुकानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हो जाती है। दोस्तों, यह माना जाता है कि कंस द्वारा कृष्ण को मारने के लिए भेजी गई राक्षसों की गड़बड़ी के बाद नंद राय जी ने गोकुल छोड़ दिया था और कुछ समय के लिए छटीकरा, डींग और काम्यवन में रहने के बाद नंदगांव में स्थानांतरित हो गए थे। दोस्तों, नंदगांव की छोटी संकरी गलियों से होकर अब हम आ चुके हैं नंदगांव के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। और ये रहा हमारा मुख्य द्वार। अब हम चलते हैं इसके अंदर। नंदगांव का यह गांव नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और नंद राय जी चरवाहों के राजा ने नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर अपना महल बनाया था और सभी चरवाहों ने पहाड़ी के आसपास अपने घर बना लिए थे। तो ये जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, ये उस पहाड़ी की मुख्य चोटी पर ही स्थित है। तो आप इसका पूरा यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। इस तरह से नंदगांव की स्थापना हुई। नंद बाबा ने नंदीश्वर पहाड़ी पर अपना महल बनवाया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। यहीं पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ होली भी खेली थी। यहीं पर उद्धव वन भी है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और उस समय के सबसे महान ब्रह्मयोगी भी थे। जब श्री कृष्ण मथुरा में चले गए तो गोपियाँ उनके विरह में दिन रात आंसू बहाती थी। श्री उद्धव वहाँ जाकर राधा व गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम देखकर अपने ब्रह्म ज्ञान के अहंकार को भूल गए थे। नंदगांव मंदिर में पहुंचकर आपको श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन भी मिलते हैं। इसी बात पर आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, नंदगांव की लठमार होली भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फाल्गुन एकादशी को नंदगांव वाले बरसाना में होली खेलने जाते हैं, यानी कि राधा जी के यहाँ जाते हैं नंदगांव वाले, और दूसरे दिन बरसाना वाले नंदगांव में होली खेलने आते हैं, जिसके पीछे
किंवदती है कि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ इसी प्रकार कमर में फेंटा लगाकर राधा रानी तथा उनकी सखियों से होली खेलने के लिए जाते थे तथा उनके साथ ठिठोली करते थे, जिस पर राधा तथा उनकी सखियां ग्वालों वालों पर डंडे बरसाया करती थीं। ऐसे में लाठी डंडों की मार से बचने के लिए ग्वाले भी लाठी या ढालों का प्रयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गया। उसी का परिणाम है कि आज भी इसका परंपरा का निर्वहन उसी रूप में किया जाता है। यहाँ की लठमार होली देखने योग्य है। हजारों लोग हर साल दूर दूर से नंदगांव बरसाना की होली देखने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के अलावा नंदगांव के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में हाव बिलाऊ, पद्म तीर्थ, बेलकुंड, चरण पहाड़ी, रोहिणी, गोदनी कुंड, मानसरोवर, इसके साथ साथ मोती कुंड, फुलवारी कुंड, कदम कुंड, कृष्ण कुंड और साथ ही साथ श्याम पीपर, टेर कदम और बहुत सारे देखने लायक स्थान हैं। दोस्तों, जहां पर पहले नंद बाबा का महल हुआ करता था, अब इस महल में श्री कृष्ण बलराम का मंदिर है, जहां पर हम अभी मौजूद हैं। यहां यह मुख्य मंदिर है। मंदिर में श्री कृष्ण बलराम की मूर्तियां हैं। दोनों भाइयों को एक ही स्वरूप माना गया है, अर्थात दोनों को एक ही भावना से पूजा की जाती है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 60 से 70 सीढ़ी चढ़कर आना होता है, इसलिए हम देखते हैं कि ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बरसाना जब घूमने जाएं तो वहां से लगभग 8 या 8.5 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है और आप यहां आकर श्री कृष्ण के दर्शन आसानी से पा सकते हैं। तो मिलेंगे हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।